मान्यवर रावधान सिंह जी का गांव के गणमान्य व्यक्ति फूल मालाएं पहना करके मान सम्मान और स्वागत करते हुए आप लोगों के बीच में लेकर के मान सम्मान गांव आगमन पर रावधान सिंह जी का गांव के मौजूद व्यक्ति नौजवान साथी फूल मालाएं पहना करके बेटे आप साइड में बैठो, बेटे आप वहां बैठो सामने सामने बैठ जाओ, बच्चों बैठो। देखिए थोड़े से देरी के बाद में भी आपके बीच में एक बढ़िया माहौल बना हुआ है। वीर रावधान सिंह जी के ये बहुत बढ़िया तरीके से जमे हुए लोग बैठे हुए हैं। सीताराम जी, सीताराम जी रामदान सिंह जी को पगड़ी पहना करके मान सम्मान कर रहे हैं। सीताराम जी भाई जोरदार तालियां बजाएं सारे साथी। भिखाराम जी, भिखाराम जी आ रहे हैं पगड़ी पहनाने के लिए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भाई जोरदार तालियां बजाएं, बच्चे को जोरदार तालियों के साथ बच्चों में तालियां बजाओ। बेटा हरलाल साहब, एक्स अरमन साहब आपके बीच में पगड़ी पहना करके रावधान सिंह जी का मान सम्मान जोरदार तालियां। मस्त गुरुजी बनवारी लाल जी, गुरुजी बनवारी लाल जी पगड़ी पहना करके मान सम्मान कर रहे हैं भाई, जोरदार तालियां बजाएं। रतिराम जी रावधान सिंह जी को पगड़ी पहना करके मान सम्मान कर रहे रतिराम जी भाई, जोरदार तालियां बजाएं सारे साथी। किशंबर जान जी रावधान सिंह जी को पगड़ी पहना करके मान सम्मान कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएं भाई सारे साथी। बस जी साहब और है, साहब और है क्या पगड़ी? बस भाई मान सम्मान की कड़ी समाप्त। अब मैं आपको मान सम्मान की कड़ी में लेकर चलता हूँ परम आदरणीय सर श्री मान्यवर रावधान सिंह जी। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, श्री राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की धन्यवाद। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी गांव बस्ती का इस बात के लिए धन्यवाद, आपने एक लंबे समय के इंतजार के बाद में भी इतनी भीड़ को जुटा करके रखा। साथियों आने वाली 5 तारीख को हमने आपके बीच में सारी बातें बताई। हाथ के सामने का बटन दबा करके 2 नंबर का निशान है, हाथ के सामने का बटन दबा करके इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे साथ आए सभी सम्मानित नेतागण, मेरे आदर और मान के योग सभी मेरी मातृशक्ति माताएं और बहने, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों और सम्मानित मंच, सर्वप्रथम तो मैं अपने गांव की 36 बिरादरी का, सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद करता हूं कि आज वो इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में पहुंच करके हम सबको दो शब्द कहने का अवसर दिया और आपने बड़ा गर्म जोशी से स्वागत किया। आप सब जानते हैं कि आने वाले 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में आपको तय करना है कि आपकी भावी सरकार किसकी हो और भावी विधायक कौन। जब चुनावी सफर चलता है तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बातें एक चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखती है और फिर जनता ये फैसला करती है कि इनकी घोषणा पत्र में जो कहा गया है वो
और जो पिछले 5 साल में जो इन्होंने कहा था वो, और जो सरकार सत्ता में है उसमें काम किए थे वो, इनको जब एक पहलू बना करके तुलनात्मक दृष्टि से फैसला किया जाता है तो तकरीबन लोग फैसला लेते हैं अपनी मर्जी से कि इस सरकार और इस व्यक्ति और इस पार्टी को हम मतदान देकर चुनाव जिताना चाहते हैं। मैं 10 साल के अतीत के उस समय पर ले जाना चाहता हूं जब कांग्रेस का राज था और इस प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास चल रहा था, उसमें मैनेजर भी आपका छूटा नहीं था, अनेकों विकास कार्य हुए। लेकिन अब सोच यह है कि उसके बाद जो विकास के कार्य किए गए जो आगे बढ़ना तो खत्म, बल्कि किए हुए कामों की मेंटेनेंस भी नहीं हो पाए राज और बदहाली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों वादे किए। केंद्र ने कहा कि आपको 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, कानून व्यवस्था बनाएंगे, विकास कराएंगे और अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, न किसान सुखी, न जवान सुखी, न कर्मचारी सुखी, न व्यापारी सुखी, और मजदूर की तो कोई बात बची ही नहीं है क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में आप अंदाजा लगा लें कि भाजपा ने जो कहा उसमें एक काम बताने के काम उन्होंने किया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो मायूस और निराशा के जो काम किए वो कौन कौन से। सबसे पहले तो इलाका किसान बाहुल्य क्षेत्र है, हरियाणा को वैसे भी किसान और कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है, उसके अंदर आपने देखा पीछे 13 महीने तक एक आंदोलन चला 3 काले कानूनों के पीछे, और उसमें 700 जवानों ने अपनी जान से हाथ धोया, तब जाके सरकार की नींद जागी और उन्होंने वो काले कानून वापस लिए। लेकिन MSP की गारंटी फिर भी नहीं। जहां तक जवान की बात आती है, ये हमारा सौभाग्य है कि हर 10वां सैनिक हिंदुस्तान की फौज के अंदर हरियाणा का है। लेकिन वो समय था जब यहाँ से 5,000-5,500 के बीच में बच्चे हर साल भर्ती होकर के फौज में जाते थे, पक्की फौज के अंदर। लेकिन आज वो 5,500 से लेके कुल 500 में छोड़ दी गई है, और वो भी 75% को रिजेक्शन 4 साल बाद, क्योंकि अग्निवीर नाम की योजना दे दी गई। उस अग्निवीर से नौजवानों में एक मायूसी है कि हम फौज को अपना भविष्य समझते थे, फौज को अपना कैरियर समझते थे, लेकिन इस सरकार ने एक ऐसी नीति दी है जिसके अंदर किसी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो सकता, क्योंकि 75% का वापस आना तो तय है, लेकिन जब वो वापस आएगा 75% तो उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं, उसको पेंशन का कोई बेनिफिट नहीं, और उस आदमी को जॉब के बाद छोड़ने के बाद यहाँ करके एक भी जो रिटायर्ड बेनिफिशियर होते हैं उन्हें भी बेनिफिट्स का कोई काम उसके पास नहीं बचता। तो उसके पास बचता क्या है, उसके पास बचती सिर्फ मायूसी, और उस मायूसी के अंदर या तो नशा करेगा या वो अपराध के अंदर जाएगा, और यही हालात आने वाले 5-7-4 साल बाद आप देखेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तो लोकसभा के चुनाव के दौरान ये फैसला किया था कि हम इसके विरोध में हैं, और कभी भी मौका आएगा तो भाई सबसे पहले इस अग्निवीर को खत्म करके ना रेगुलर भर्ती जो फौज की रहेगी उस तरह की फौज की भर्ती करके। याद अगर संविधान का ये पीछे नारा दिया इन्होंने 400 पार, वो 400 पार तो आया नहीं क्योंकि वो लोग समझ गए कि 400 पार के मतलब 370 भी आ जाती हैं तो संविधान में बदली कर सकते हैं। तो ये मैं मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत समझते काम लिया, और विशेष तौर पे SC भाइयों का जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पक्ष के अंदर काम किया कि आप लोग या तो समझ जाए वरना आपको संविधान में बदली की बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, और उन्होंने 400 के नारे को 240 पे टिका दिया। आज मजदूर की कोई बात नहीं, और जहां तक हरियाणा का सवाल आता है, हरियाणा के अंदर तो हालात बदतर है, उद्योग कोई रहा नहीं क्योंकि उद्योग जो थे उनमें से भी प्लान करके चले गए, फौज की भर्ती आपने बंद कर दी, रेगुलर भर्ती में 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हुई है, स्कूल जितने भी थे तकरीबन 1,000 से ऊपर आपने स्कूल बंद कर दिए, टीचर्स की भर्ती आपने बंद कर दी, और विकास नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि सिर्फ आप कर्जे से प्रदेश के विकास को जोड़ना चाहते हैं। हम जब विधानसभा में बजट देखते हैं तो जो टोटल बजट पेश किया है ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, उसमें से 35.7 यानी 100 में से 35.7 तो जो लोन ले रखा है उसकी किस्त
और उसका ब्याज दिया जाता है। आप मुझे बताइए, पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 65% बचता है, 64% इरादा, 64% पैसा बचता है, उसमें आप डेवलपमेंट कहाँ करेंगे? पेंशन भी देनी है, बेनिफिट्स भी देने हैं, और आपने यहाँ पर लोगों को कुछ सुविधाएं भी देनी है, खाने पीने का राशन भी जुटाना है, तो उसके पास आप करेंगे क्या? तनख्वाह भी देनी है एम्प्लॉइज की, तो एक डेवलपमेंट नाम की चीज ही नहीं। अब इसीलिए प्रदेश कर्जदार है। हमने तो 1996 से 2014 तक जो प्रदेश रहा उसमें मात्र 70,000 करोड़ कर्जा था, और आज 2014 से 24 तक 4,00,000 से ऊपर चला गया। आप अंदाजा लगा लें, और को भाई देखना चाहता है तो देख सकता है सच्चाई क्या। यानी कुल मिला के ये है कि जहाँ कर्जा होता है उस सर का वजन पैर पर आता है, कर्जे से न घर चलता न सरकार न संस्था। इसलिए मायूसी अपने आप में है, और भारतीय जनता पार्टी उसका वो ढूंढ रही है जरिया कि लोगों का ध्यान कैसे बांटा जाए। और हर ज्वलंत समस्या का बांटने के लिए कोई कोई बात कहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं जाति पाति का झगड़ा, इसके अलावा इनके पास कहने के और देने के लिए कुछ भी नहीं। ये फैसला आप महान जनता को करना है कि वो इस प्रदेश की इस कार्रवाई से कब तक निपट पाएंगे, और आने वाले समय के अंदर जो 5 तारीख का फैसला है वो बड़ा ऐतिहासिक रहेगा। सरकार हरियाणा के अंदर 101% कांग्रेस की बनने जा रही है, और उस 101% सरकार के अंदर जितने भारी मतों से आप यहां से जिता करके भेजेंगे, एक गारंटी मैं देता हूं, उतने ही भारी वजन के साथ आपके पास मैं आपके बीच जाऊंगा। ये मैं गारंटी देता हूं, फैसला आपका है, ये फैसला राजनीतिक सोच का है, और मुझे पता है इस बात का हम सफर है, हमें कितने सालों साल तक देखा आपने, बल्कि इस महेंद्रगढ़ हल्के के अंदर अब तो आपके यहाँ सतनाली का एरिया भी जुटा है। उस सतनाली वाले भाइयों से मैंने पूछा था पीछे, मैंने कहा आप 36 साल तक 3 चीफ मिनिस्टर के नीचे रहे, बंसीलाल जी, भजनलाल जी, देवलाल जी, तीनों के बेटे पोते सुरेंद्र, अजय और कुलदीप MP रहे, उन्होंने कभी कॉलेज नहीं दिया, उन्होंने कभी ब्लॉक नहीं दिया, उन्होंने कभी ITI नहीं दी, उन्होंने कभी तहसील नहीं दी, उन्होंने बस स्टैंड के 3 पत्थर लगवाए 3 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई। मेरे से भी कहा कि आप भी एक पत्थर लगवा दे उड़ा साहब से, मैंने कहा मैं पत्थर नहीं लगवाऊंगा, मैं इसका उद्घाटन कराऊंगा, और उसका उद्घाटन करा दूंगा। आज वो गांव शहर से मतलब कस्बे की तरफ चल दिया, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी देख जो आज की बात नहीं है, जो सदियों तक काम आएगी, आज 5,000 बच्चों की स्ट्रेंथ है उसमें। आने वाले समय में जब पूरी 200 फैकल्टीज खुल जाएंगी, अब तो 73 खुली, तो आप अंदाजा लगाए 22,000 बच्चों का कैंपस होगा। हमने एक महिला कॉलेज बनवाया, अगर आप देखते हो रिपोर्ट के सामने, उसमें अभी कमरों की कमी है, वो भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन आज तक BSc की क्लासेस वहां है, साइंस फैकल्टी वहां है, लेकिन कोई भी लैब नहीं है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे बता दें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लैब के बिना कैसे आप BSc कर सकते? 4 बार विधानसभा में उठाया मैंने, कहा ये तो बता दें कि बिना लैब के आप MSc BSc कराएंगे कैसे? करा रहे, कमरों की बात आती है, कमरों की बात नहीं, उनके पास पैसे नहीं है कि कमरे के लिए दे दे, उसके लिए 4 बार कह लिया। इसलिए ये कहूंगा, पड़ोस में आप किसान मोड़ स्कूल है, पैसे दे दिए, जमीन दे दी, कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, उसको न कॉलेज बना रहे, न पॉलिटेक्निक बना रहे, न ITI बना रहे, न उसको स्कूल बना रहे। अरे सरकारी पैसा है, जमीन गांव की है, पैसे हमने दे दिए, खर्च हमने कर दिए, आप क्यों नहीं सोचते उसके बारे में? लेकिन सरकार की मंशा नकारात्मक है, आपको कुछ नहीं देना चाहती। इसलिए समय आ चुका है जागने का, आप जागेंगे तो कुछ पाएंगे, सोएंगे तो सोते रह जाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा, ये इतिहास होगा इस बात का, एक बटन दबा के आप वो भरते ढोल को कि चंडीगढ़ तक की नींद उड़ जाए और दिल्ली तक की आवाज आए, वो मैं समझूंगा। और भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे भाइयों ने अभी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की, बहुत बड़े नंबर पे, तो मैं उन सारे भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, और एक विश्वास दिलाता हूँ कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, हमेशा उनके प्यार के साथ हम रखेंगे, जो मान सम्मान दूसरी पार्टियों में था उसी चीज रखेंगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 1-to-1 के अंदर जब ये हमारे लायक कोई बात होगी तो हम निराश नहीं उनको होने देंगे, और पुराने हमारे साथियों को कहेंगे कि उनसे जुड़ करके 1 और 11 का काम करें, ताकि हम अपने मिशन के अंदर कामयाब हों।
ये मैं कहना चाहता हूं उनसे। और अब भाई लास्ट में दो तीन बातें जो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को मिले चाहे। हमारी सबसे पहली मांग है कि हम सत्ता में आए और आपसे IMT बनवाएं ताकि एक मारुति जैसा बड़ा कारखाना यहाँ आए, कि वही एक जगह हो सकता है बेरोजगारी कम करने का। सरकार भी कल बढ़ जाएगी, सबको रोजगार हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन जब इंडस्ट्री लेके आएगी तो मारुति ने देखा होगा आपने कि गुड़गांव के 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई नौकरी करता है नहीं करता, लेकिन घरों के ऐसी ऐसी कोठियों में 5-5-10 हजार किराया है और छोटे कमरों के लिए 50,000 से 1,00,000 का किराया है। वो लोग उसी में अपनी आजीविका चाहे छोटी सी क्यों नहीं उसमें कमा लेते हैं। जब लाखों लोग यहाँ काम करेंगे तो कोई मजदूर क्या आएगा, कोई अधिकारी का आएगा, कोई कर्मचारी का आएगा, कोई टेक्निकल का आएगा, कोई गाड़ी का आएगा, कोई टैक्सी का आएगा, कोई अखबार का आएगा, कोई दूध का आएगा, कोई राशन का आएगा, अनेकों काम आपको मिलेंगे। और जब एक फैक्ट्री लगती है तो 1,000 एंसिलरी लगती है। एंसिलरी का मतलब कोई लाइट बनाएगा, कोई बम्पर बनाएगा, कोई स्टेयरिंग बनाएगा, कोई पीछे बैक बनाएगा, कोई वॉलेट बनाएगा, और वो 1,000 कंपनियां जो है ना हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार देगा। हमारे गांव बहुत रह रहे हैं। एक बात जो हमारे गांव की बहुत बेहतरीन हुई है वो मैं जरूर आपको श्रेय दूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा कि भाई परसेंटेज ऑफ पोल्स परसेंटेज ऑफ वोटिंग पूरे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सबसे ज्यादा कहीं है तो पल गांव के अंदर, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। और ये एक निवेदन करता हूँ कि इस परसेंटेज ऑफ पोल को और परसेंटेज ऑफ वोट को आप समर्थन दे करके इतनी बड़ी संख्या में पहुंचा दें कि सबसे ऊपर पल का नाम आज परसेंटेज में आया, कल हमारे को फेवर में आ जाए और हम आपके साथ में बैठ के काम कर सके। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भूल कोई चूक हमारे किसी साथी से हुई है तो वो इस बात को भुला दे। हम बहुत से लोग कहते हैं नेताजी हम वोट तो दे दिया आया को नहीं करे, वो क्यों बोले कोई कोई कह दे अपनी पार्टी को बोले। भाई आया करने के बाद मैं कह रहा हूँ हम आया करेंगे, आपको तीसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपकी बात करेंगे हम सीधी बात करें, सीधी बात होगी बात खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सबको ज्यादा कैद न करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।